हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छा और एक शानदार स्टॉक लेके आए हैं। ये जो कंपनी है ये फाइनेंस के सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है और लोन प्रोवाइड करने का काम ये कंपनी करती है, तो एक बहुत ही अच्छे बिजनेस को ये कंपनी अभी चलाने लग रही है। किसी समय ये जो स्टॉक था ये 671 रुपये के ऊपर भी ट्रेड करता था, अभी इस स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। और ये एक ऐसा स्टॉक है जो हर साल ही अपने जो इन्वेस्टर हैं उनके पैसे को ये 2 गुना तक बढ़ा देता है। ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है जो एक बहुत ही अच्छा जो नेट प्रॉफिट है उसको जनरेट करने लग रही है। और इसमें जो FII हैं और जो DII हैं, अगर इन दोनों की होल्डिंग को मिला दिया जाए तो लगभग 13% की होल्डिंग इन दोनों की इस कंपनी में हो जाती है। तो काफ़ी अच्छी होल्डिंग को इन दोनों ने इस कंपनी में बनाया हुआ है। ये जनवरी 2021 में केवल 77 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लग रहा था और फिर नवम्बर 2022 में ये 148 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लग रहा था और फिर जुलाई 2023 में ये 206 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लग रहा था और फिर फरवरी 2024 में इसने 250 रुपये को भी टच किया है। तो एक लगातार एक अच्छे रिटर्न देने वाली कंपनी है ये। इसके जो ऑल टाइम के जो रिटर्न है वो 70% के हैं। इसने पहले भी एक बहुत ही अच्छे रिटर्न निकाल के दिए हैं और आगे भी आपको एक बहुत अच्छे रिटर्न निकाल के ये स्टॉक आपको देगा। तो ये जो कंपनी है ये लोन देने का काम ये कंपनी करती है। ये भारत के 23 स्टेट और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें इसकी प्रजेंस है और 95,000 से भी अधिक जो गांव हैं उनमें भी इसकी प्रजेंस है। तो ये मुख्य रूप से ये जो कंपनी है ये गांव में लोन देने का काम ये कंपनी करती है और एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है ये। ये मुख्य रूप से हाउसिंग लोन हो गया, लॉन्ग टर्म लोन हो गया, सोशल इम्पैक्ट फाइनेंसिंग प्रोडक्ट लोन हो गया, वास लोन हो गया और लोन MSME हो गया। तो मुख्य रूप से इस सेक्टर में लोन देने का काम ये कंपनी करती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है और इसकी 1335 ब्रांचें हैं। 32 लाख से भी अधिक इसके कस्टमर हैं। इसके पूरे इंडिया में 3 लाख से भी अधिक सेंटर हैं और 85 रीजनल ऑफिस हैं। जो मुख्य बिजनेस है वो यूपी से 27% का, बिहार से 14% का, वेस्ट बंगाल से 8% का और पंजाब से 7% का इसका बिजनेस आता है। एक स्मॉल मार्केट कैप की कंपनी है। इसकी जो मार्केट कैप है वो 1786 करोड़ की है। इसका जो बॉन्ड इकाई है वो 284 रुपया और जो लो है वो 161 रुपया है। इसकी जो बुक वैल्यू है वो 217 रुपया है। इसका जो ROCE है वो भी काफ़ी अच्छा है, 16.6% का। इसका जो ROE है वो भी 21.8% का है। और ये देखिए पी रेशो के हिसाब से भी ये जो स्टॉक अभी इन्वेस्टेबल है। जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है वो 21.8% का है, जो डेट ऑफ इक्विटी है वो 3.30% का है, यानी कि थोड़ा बहुत ज़्यादा है। जो ये लोन देने वाली कंपनियां होती हैं ये इनके बिजनेस मॉडल का एक हिस्सा होता है। ये पहले लोगों से ब्याज के ऊपर पैसा लेती हैं, फिर उसी पैसे को ये ज़्यादा ब्याज के ऊपर देने का काम ये कंपनियाँ करती हैं। जो प्रमोटर की कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं है। इसके ऊपर जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो 174 करोड़ की हैं, जबकि इसकी जो टोटल एसेट है वो 10,490 करोड़ की है। और ये जो स्टॉक है इसमें वॉल्यूम काफ़ी अच्छी रहती है, आप आसानी से इसको कभी भी खरीद सकते हैं और इसको बेच सकते हैं। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 671 रुपया और जो लो है वो 42 रुपया 30 पैसे है। और ये देखिए इसकी जो सेल्स है वो काफ़ी अच्छी होने लग रही है। मार्च 2024 में इसने 642 करोड़ की सेल्स की है और जून 2024 के क्वार्टर में भी इसने 633 करोड़ की सेल्स की है। इसकी जो अदर इनकम है क्वार्टर वाइज वो 2 करोड़ की, 5 करोड़ की, 1 करोड़ की ऐसे हो जाती है। इसका जो नेट प्रॉफिट है क्वार्टर वाइज वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने लग रहा है, 105 करोड़ का, 128 करोड़ का, 113 करोड़ का, 107 करोड़ का। और ये देखिए इसका जो नेट प्रॉफिट है सालाना वो काफ़ी अधिक बढ़ गया है। पहले 5 करोड़ का, 21 करोड़ का होता था सालाना, वो अभी 436 करोड़ का और 453 करोड़ का ऐसे होने लग रहा है। और इसका जो EPS है वो अभी 42.10% का है। जितना अच्छा EPS होगा आपको उतनी अच्छी अर्निंग होगी। इसके ऊपर जो कर्जा अभी वो 7,915 करोड़ का है। इसकी जो रिजर्व कैपिटल है वो लगातार बड़ी है, अभी 2,291 करोड़ की है। और इसकी जो टोटल एसेट है वो भी लगातार बड़ी है, अभी 10,490 करोड़ की है। इसमें जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 36.17% की बनी हुई है और जो FII की होल्डिंग है वो भी 6.09% की बनी हुई है और जो DII की होल्डिंग है वो भी 6.59% की बनी हुई है और जो टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर हैं उनकी जो संख्या वो 50,610 है। तो देखिए अभी जो ये स्टॉक है ये 160 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लग रहा है। फंडामेंटल काफ़ी एक अच्छी कंपनी है और एक लगातार एक अच्छे रिटर्न देने वाली कंपनी भी है ये।
और दोस्तों किसी भी स्टॉक में अगर आप पैसा लगाते हैं तो अपना खुद का रिसर्च भी जरूर करें और अपने रिसर्च के आधार पर ही किसी भी स्टॉक में आप पैसा लगाएं। तो ये जो स्टॉक है इसका जो नाम है वो सेटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड कंपनी है। तो अगर आप इस स्टॉक में बाय करना चाहते हैं तो आप इसकी 50 क्वांटिटी हो गया, 100 क्वांटिटी हो गया, ऐसे करके इसको आप बाय कर सकते हैं। एक लगातार एक अच्छे रिटर्न देने वाली कंपनी है ये। सो दोस्तों ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।